एवरीवन, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे वन मित्र भर्ती 2023। अभी हाल ही में बहुत सारी न्यूज इसको लेकर आ रही है, जिसमें बात की जा रही है वन मित्र के 2061 पदों पर भर्ती की जाएगी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो आपके मन में भी बहुत सारे डाउट होंगे, जैसे अप्लाई डेट कब है, कब से अप्लाई करना है, क्या काम होगा, ट्रांसफर होगी या नहीं, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको इस वीडियो को 3-4 मिनट बैठ के पूरा देखना है, जिससे आपके ये सारे डाउट क्लियर होंगे। तो अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है, जिसमें कहा गया है कि जो 30 नवंबर है, 30 नवंबर से वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं जो भी इच्छुक युवक हैं। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आप वन विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ जाकर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर निकट के वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय के आवेदन पत्र मांगकर वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बाकी एज की बात करें तो इसमें 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, और आपके लिए इसमें 100 नंबर का जो है 100 मार्क्स का एक टेस्ट रखा गया है। टेस्ट इसको नहीं कह सकते, डॉक्यूमेंटेशन हम इसको बोलेंगे। तो ये एक सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, जिसमें मैक्सिमम 100 मार्क्स रखे गए हैं, उसमें से आपको आंका जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट इसमें है आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए, मिनिमम 12वीं पास आप होने चाहिए, और आपको 10,000 प्रति माह इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें 12 छुट्टियां भी रखी गई है, सरकारी छुट्टियों के अलावा एक्स्ट्रा इसमें 12 छुट्टियाँ साल में दी जाएगी, ठीक है। साथ में महिलाओं के लिए 180 दिन यानी कि 6 महीने की मैटरनिटी लीव भी इसमें मिलेगी, अगर मिसकैरेज भी होता है तो 45 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो बाकी आपको इसमें देखना है कि ग्राउंड टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर आप 100 मार्क्स की सिलेक्शन प्रोसेस को भी पूरा कर लेते हो और आप वन मित्र लग जाते हो, तो आपको कुछ काम करने हैं, जैसे वनों की आग से सुरक्षा करनी है, आपको प्लांटेशन करनी है यानी कि पौधारोपण करना है, आपको रीजन टैपिंग करनी है, और बचाव वाले जो भी कार्य हैं वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। वो आपको इसमें बताया जाएगा आगे भी, जैसे भी होगा। बाकी इसमें तबादला वगैरह कुछ नहीं होगा, आपकी ट्रांसफ़र भी नहीं होगी। तो वन मित्र संबंधित जो भी आपके एरिया के नज़दीक की वन बीट होगी उसमें आपको रखा जाएगा, ठीक है। यानी कि तबादलों के झंझट से आप बचे रहेंगे, आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी इतनी, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 6 घंटे आपको दिन का काम करना है और उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम इसमें बात करें तो टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, जिसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपके 10+2 के मार्क्स इसमें जोड़े जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 75, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे आपकी 50% है, तो इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके बनेंगे 37.5 मार्क्स, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके 90 मार्क्स होंगे उसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने आपके मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप कह रहे हैं कुछ एडिशनल मार्क्स है, जैसे EWS के हैं, BPL के 2 नंबर हैं, SC ST OBC के 2 नंबर हैं, बाकी NCC NSS और स्पोर्ट्स, इनके मैक्सिमम 5 नंबर हैं। इस 5 नंबर में से ही आपको मिलेंगे NCC के, NSS के या स्पोर्ट्स के नंबर, ठीक है। बाकी इसमें आपके और भी मार्क्स रखे गए हैं, जैसे विडो के, डाइवोर्स के, डेस्टिट्यूट के, सिंगल वुमेन के, इसके 3 मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें देखना ये भी है, अगर सिंगल डॉटर या ऑर्फन है उसके लिए भी 3 मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू इसमें रहेगा 10 मार्क्स का, बाकी ये डिपेंड करता है कि इस तरह से इंटरव्यू रहेगा। SDM की जो कमेटी बनेगी उसकी अध्यक्षता में ये आपका इंटरव्यू होगा, जो भी आपको इसमें पूछा जाएगा उस बेसिस पे ही आपका इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी आप सीखते रहो, बढ़ते रहो HP GK के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट।